हेलो माय फ्रेंड्स, ये वीडियो में टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी सॉरी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली देखो, इसमें जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक एक्सिस दिया गया है, वो एक्सिस सपोज एक वेरिएबल के लिए है ना, उसी एक्सिस को दूसरे वेरिएबल के लिए कैसे डील करेंगे, यही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको अगर समझ में आ जाता है तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, ठीक है, देख लेना। तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय लास्ट डिस्कशन, अगेन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज यू आर हैविंग एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, सो दिस इज ए सिग्नल। नाउ व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू जस्ट मार्क एक्स इज वन वेरिएबल, टी इज अनदर वेरिएबल, टी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स here this axis is for independent variable t and this axis is for dependent variable x, okay? So now what you have to do, so you have to sketch the signal, you have to sketch the signal by taking these two axes, one is the t axis, other is x axis, okay? Now see, suppose there is an axis, suppose this is t axis, right? Understand. Now this axis I want to use for another variable. So how you can use this axis for another variable, that is very very important. Understood? Now see here, suppose I am taking this axis, let us take another variable p, right? Understand? Suppose another variable p. Now this axis you can say p axis, ध्यान से देखो, this axis you can say p axis. Now there is a relationship between p and t. Suppose p is equal to t plus capital T. Try to understand this beautiful concept. समझने की कोशिश करो, इसको मैं धीरे 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 समझाऊंगा, क्योंकि इसको समझने के बाद टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्चुअली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, p इज इक्वल टू टी प्लस टी। नाउ दिस टी इज ए कॉन्स्टेंट, दिस कैपिटल टी इज ए कॉन्स्टेंट, दिस कैपिटल टी, दिस इज टी, टी मीन्स स्मॉल टी, हियर दिस इज कैपिटल टी, कैपिटल टी मान के चल रहा हूँ कि कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, टी इज ए कॉन्स्टेंट। नाउ सी, सपोज एक्चुअली हियर देखो ध्यान से, सपोज आई एम ड्रॉइंग हियर अगेन, दिस इज पी एक्सिस। Now what is the relationship? P is equal to T plus capital T. This is the relationship. Capital T is a constant. Now here suppose 0. Here 0 means for P it is 0. For P it is 0. That means if you put 0 here, then T plus T, which implies what is T? T is equal to minus capital T. Here T plus capital T, T is equal to minus capital T. That means where P 0, there T is equal to minus capital T, that means minus capital T, right? Understand? Where P 0, there T is equal to minus capital T. Understood? Now see here, suppose here I am considering, suppose T capital T, that means P is equal to capital T, here I can use P is equal to capital T, then this is T plus T, T plus capital T. Now what is the T value? T is equal to 0. Dhyan se dekho, T is equal to kitna? 0. तो जहां पे p कैपिटल t है वहीं पे स्मॉल t जीरो है। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट मींस अगर ये एक्सिस गिवन है तो यहां पे जीरो, यहां पे कैपिटल t है। अगर इसी एक्सिस को मैं स्मॉल t एक्सिस मानूं तो यहां पे जीरो ले सकता हूं, यहां पे माइनस t लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, ये किसके लिए है? ये स्मॉल t के लिए, ये स्मॉल t के लिए, समझ में आया? ठीक है, सो दैट मीन्स यहां पे मैं स्मॉल टी अगर ले लू एक्सिस को तो यहां पे जीरो मानूंगा, यहां पे माइनस। दैट मीन्स व्हेयर ओरिजिन वाज फॉर पी एक्सिस, पी एक्सिस के लिए जहां पे ओरिजिन था, ध्यान से देखो, यहां पे ओरिजिन था, अब टी एक्सिस के लिए यहां पे ओरिजिन हो गया जीरो, जीरो जहां पे है वहां पे ओरिजिन, कंसीडर करो। दैट मीन्स अगर पी एक्सिस के लिए, यहां पे पी एक्सिस, सपोज यू आर टेकिंग डिपेंडेंट वेरिएबल हियर, दिस इज सपोज एक्स, यहां पे p एक्सिस, यहां पे x है, ध्यान से देखो।
तो अगर इसको मैं टी एक्सिस मानूं तो एक्स कहां पे हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन जहां पे वहां पे वर्टिकल एक्सिस तो सिलेक्शन करना पड़ेगा ना, तो यहां पे एक्सिस हो जाएगा एक्स। देखो सेम एक्सिस को, सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दो वेरिएबल के लिए मैं यूज कर रहा हूं, एक पी के लिए दूसरा टी के लिए। जब पी के लिए यूज करूंगा ये दोनों एक्सिस सिलेक्ट करूंगा, जब टी के लिए यूज करूंगा ये दोनों एक्सिस सिलेक्ट करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट मींस सी सपोज एक्चुअली एक्स इज ए फंक्शन ऑफ, इट इज गिवन पी। नाउ पी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्चुअली टी प्लस कैपिटल टी, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी प्लस कैपिटल टी। सो व्हाट एवर द कर्व यू विल फाइंड, यू कैन ड्रॉ द कर्व, व्हाट एवर द सिग्नल यू विल फाइंड इन दिस हियर, यू कैन ड्रॉ ओवर दिस इज पी एक्सिस और पी इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज टी प्लस कैपिटल टी एक्सिस। ध्यान से देखना, ये दोनों एक्सिस में प्लॉट कर सकते हो x इज ए फंक्शन ऑफ टी प्लस कैपिटल टी। अगर x इज ए फंक्शन ऑफ, सेम x इज ए फंक्शन ऑफ t, ध्यान से देखो सेम x इज ए फंक्शन ऑफ t ड्रॉ करना चाहते हो तो ये दोनों एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ t लेना पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नाउ x तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x के लिए ये एक्सिस ओरिजिन में सिलेक्ट करना पड़ेगा एक्सिस, तो ये एक्सिस x के लिए ले लो, मतलब ये दोनों एक्सिस इस प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए, ये दोनों एक्सिस इस प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए और इस प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए, राइट आंसर। ये दोनों एक्सिस इस प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए, ये दोनों एक्सिस इस प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ पी। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर तुम टी एक्सिस देखोगे इसी एक्सिस, इसका मीनिंग क्या है, सेम एक्सिस को दो वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड कौन सा चीज कहां पे होगा उसको देखना चाहिए, बस और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर आर नॉट? दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अगेन एंड अगेन आई जस्ट सी द वीडियो टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके सो नाउ सी, सो व्हाट आई डिड इन माई लास्ट डिस्कशन, I have sketched already u minus t minus capital T. Right, understand? Now, how to sketch this? This is under shifting property. I'm using shifting property here. How shifting property is used here and what is the conclusion and how to remember the conclusion, that is very, very important. So, for remembering the conclusion, before it, you must know the concept. How this thing happened? That is very important. Okay, see here, u minus t minus t. ध्यान से देखो, तो मैं काम करता हूं, ये जो अंदर वाला है आर्गुमेंट का अंदर, आर्गुमेंट क्या है, माइनस टी माइनस टी, इसको मैं p ले लेता हूं एक वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, u इज ए फंक्शन ऑफ p हो गया। नाउ u इज ए फंक्शन ऑफ p मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा है, p। एक्सिस कौन सा है, p। नाउ u इज ए फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ t मैं ड्रॉ करूंगा। देखो ध्यान से, u एज ए फंक्शन ऑफ p हियर, u एज ए फंक्शन ऑफ t हियर। नाउ u एज ए फंक्शन ऑफ p आई विल प्लॉट, u एज ए फंक्शन ऑफ t आई विल ऑल्सो प्लॉट, बट p एक्सिस, व्हाट एवर द p एक्सिस, सेम p एक्सिस आई विल यूज फॉर t एक्सिस, सेम p एक्सिस आई विल यूज फॉर t एक्सिस, देन हाउ द प्लॉट विल, This is the concept that I'm going to discuss. Understood? देखो, so you know the definition of UT. ध्यान से देखना इसको. UT is equal to 1 for t greater than equal to 0 or greater than 0. Is equal to 0 for t less than 0. Is equal to half for t is equal to 0. This is known to you. Now, in case of t, if I will use another variable p, that is known as a dummy variable. Dummy variable. Then the definition will remain nonsense. That means you see, UP, that is 1. In case of T, I can use P. P greater than 0. Is equal to 0. P less than 0. Is equal to half. P is equal to 0. Dhyan se dekhna isko. That means what I did, I have used dummy variable. In place of T, I have used P. Understood? So now see, P is equal to what? What is the relationship? P is equal to minus t minus capital T. So I can use here u minus t minus capital T.
इज इक्वल टू वन. फॉर माइनस टी, माइनस कैपिटल टी ग्रेटर देन जीरो. इन प्लेस ऑफ पी आई एम यूजिंग माइनस टी माइनस कैपिटल टी बिकॉज आई एम टेकिंग पी इज इक्वल टू माइनस टी माइनस कैपिटल टी. नाउ दैट इज इक्वल टू जीरो माइनस टी माइनस कैपिटल टी लेस देन जीरो. दैट इज इक्वल टू हाफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी इज इक्वल टू जीरो. ध्यान से देखो ये यूटी का यूटी के लिए डेफिनेशन है, ये यूपी के लिए डेफिनेशन है. देयर इज नो चेंज इन डेफिनेशन बिकॉज आई एम यूजिंग जस्ट दिस आवर डमी वेरिएबल. नाउ ये तो सेम थिंग है. पी की जगह पे मैं यूज कर दिया माइनस टी माइनस कैपिटल टी. पी की जगह क्या यूज किया माइनस टी माइनस कैपिटल टी. नाउ काम करते हैं, पहले पी एक्सिस यूपी इसको ड्रा करते हैं. ये ड्रा तो मालूम है, ये ड्रा जो होगा ये ड्रा यही होगा. सपोज एक्चुअली यूटी इसको ड्रा करते हैं. देखो यूटी तो मालूम है, दिस इज टी एक्सिस, दिस इज योर यूटी, इट इज वन, इट इज वन फॉर टी ग्रेटर देन जीरो. लेस देन जीरो इट इज जीरो. जीरो यू वांट टू टेक द एवरेज वैल्यू, दैट इज हाफ. ओके गुड. नेक्स्ट यूज सी, नाउ आई एम यूजिंग दिस इज पी एक्सिस. नाउ व्हाट इज यूपी, यूपी इज ऑल्सो वन सेम कर्व, देयर इज नो चेंज इन सेप, सेम कर्व, दिस इज यूपी. नाउ इन प्लेस ऑफ पी आई कैन यूज माइनस टी माइनस कैपिटल टी. देखो इसको ड्रा करते. नाउ हियर व्हाट इज दिस माइनस यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी. ध्यान से देखना, तो सेम कर्व, सेप विल नॉट चेंज. सी हियर सेप सेप विल नॉट चेंज. अरे यू ऑफ टी, यू ऑफ पी, यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी, सेम थिंग. टी के जगह पे पी, पी के जगह पे ये, सेप तो सेम रहेगा बिकॉज दिस एक्सिस आई एम हेयरिंग दिस इज टी एक्सिस, दिस इज पी एक्सिस, दिस इज माइनस टी माइनस कैपिटल टी एक्सिस. तो आर्गूमेंट में जो है एक्सिस वही है, तो सेप विल रिमेन कॉन्स्टेंट. आर्गूमेंट में जो है एक्सिस अगर वही है, वेरिएबल व्हाट एवर द यू आर टेकिंग वेरिएबल, वेरिएबल इज यू, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेम यू, हियर यू, हियर यू. अंडरस्टूड? गुड. नाउ देखो इसी एक्सिस को अब मेरे को क्या करना है, ये सेम यू माइनस टी ड्रॉ करना है, माइनस टी माइनस कैपिटल टी करना है, बट नॉट विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस. दिस इज माइनस टी माइनस कैपिटल टी एक्सिस, बट आई हैव टू टेक टी एक्सिस, आई हैव टू टेक टी एक्सिस. दैट मीन्स मेरे को जितना भी प्लॉट करना है सब टी एक्सिस में करना है बिकॉज आई एम टेकिंग टी एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द एंटायर सिग्नल सिस्टम एनालिसिस. अंडरस्टूड? मेरे को जो भी ड्रा करना है टी एक्सिस में ड्रा करना है. तो ये जो प्लॉट है मेरा, इसको ये टी एक्सिस में कैसे ड्रा करूं, यही तो है, यही तो है. समझ में आ रहा है? देखो कैसे ड्रा करूं, ध्यान से देखो, देखो देखो ध्यान से. यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी, ये हो गया तुम्हारा टी. देखो ये जो माइनस टी माइनस कैपिटल टी, मतलब इसी एक्सिस को मैं टी एक्सिस मानने जा रहा हूं, इसी एक्सिस को मैं टी एक्सिस मानने जा रहा हूं. कौन सा एक्सिस? टी एक्सिस. इसी एक्सिस को मैं टी एक्सिस मानने जा रहा हूं. समझ में आ रहा है कि नहीं? टी एक्सिस मानने जा रहा हूं. तो कैसे मैं कन्वर्ट करूं इसी एक्सिस को टी एक्सिस में, सो दैट आई विल गेट द प्लॉट विथ रेस्पेक्ट टू टी एक्सिस. ध्यान से देखो यहां पे क्या जीरो है, माइनस टी जीरो, माइनस टी माइनस कैपिटल टी जीरो है. देखो ध्यान से, यहां पे माइनस टी माइनस टी माइनस टी माइनस कैपिटल टी जीरो है. कहां पे? यहां पे. ध्यान से देखना, अगर ये है तो टी कितना होगा, यहां पे टी कितना होगा. देखो माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, व्हिच इंप्लाइज टी इज इक्वल टू माइनस टी. यानी कि अगर इसी एक्सिस को मैं टी एक्सिस मानू तो इसी पॉइंट में टी का वैल्यू क्या होगा, माइनस कैपिटल टी होगा, माइनस कैपिटल टी होगा. ध्यान से देखना क्या होगा, माइनस, ध्यान से देखो क्या होगा, माइनस कैपिटल टी होगा. कहां पे? इसी पॉइंट पे. समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी पॉइंट में क्या होगा, माइनस कैपिटल टी होगा. ठीक है, अभी देखो और एक चीज, अगर मैं इसी पॉइंट में अगर मैं माइनस टी माइनस कैपिटल टी को माइनस टी ले लेता हूं, ध्यान से देखो, तो मतलब इसी एक्सिस में एक वैल्यू लिया माइनस टी माइनस कैपिटल टी, देन व्हाट इज एक्चुअली माइनस टी इज इक्वल माइनस टी, इधर हो जाएंगे प्लस, जीरो हो गया. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी इज इक्वल टू जीरो. तो जहां पे ये वैल्यू माइनस कैपिटल टी, वहीं पे स्मॉल टी का वैल्यू कितना होगा, जीरो. तो ये जो माइनस टी माइनस कैपिटल टी, जहां पे माइनस टी होगा, माइनस मतलब नेगेटिव होगा ना, माइनस नेगेटिव साइड, तो यहां पे माइनस टी. इसी पॉइंट में स्मॉल टी का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा. ध्यान से देखो, तो ये स्मॉल टी का वैल्यू, ये स्मॉल टी का वैल्यू इधर,
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक एक्सिस चूज करूं स्मॉल टी एक्सिस, स्मॉल टी एक्सिस का जीरो यहीं पे, माइनस टी माइनस कैपिटल टी एक्सिस का जीरो यहीं पे, मतलब अगर माइनस टी माइनस कैपिटल एक्सिस कैपिटल टी एक्सिस चूज करूं तो ये प्लेन लेना पड़ेगा, तो इसमें कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान से देखो मेरे उंगली को देखो, इसमें अगर मैं टी एक्सिस इधर लूं तो मेरा कर्व ओरिजिन इधर हो जाएगा, टी इक्वल जीरो, मतलब मेरे को यहां पे एक एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, तो ये जो एक्सिस में मैं क्या ड्रॉ करूं, यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी, ये एक्सिस तो सेम रहेगा ना, यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी, यहां पे यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी। तो अगर ये दोनों एक्सिस ले लू तो मतलब यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी वर्सेस टी स्मॉल टी, अगर मैं ये दोनों एक्सिस ले लू यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी वर्सेस माइनस टी माइनस कैपिटल टी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इस सेम एक्सिस को मैं ये वेरिएबल के लिए यूज कर सकता हूं, इसके लिए भी यूज कर सकता हूं, ठीक है? नाउ इसके लिए यूज करके मेरे को ड्रॉ करना है, तो क्या करना है, अभी जो ये माइनस टी पॉइंट, ये एक्सिस टी लिया, ये माइनस टी पॉइंट जो है, ये माइनस टी पॉइंट, इसको मैं ले लेता हूं एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को मैं ले लेता हूं एक्सिस, क्लियर? ये माइनस टी पॉइंट हो गया तुम्हारा एक्सिस, बिकॉज दिस इज एक्चुअली ओरिजिन। नाउ तुम्हारा प्लॉट तो वहीं पर रहेगा ना, एक्सिस को चेंज किया मतलब ये दोनों एक्सिस अब हो गया, अब ये दोनों एक्सिस में प्लॉट नहीं करना है, ये दोनों एक्सिस में प्लॉट करना है, तो मतलब कहां पे वन था, यहां पे वन था, वन तो रहेगा। नाउ एक्सिस ये नहीं रहा, एक्सिस ये बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाउ दिस इज नथिंग बट यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी, यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 100% क्लियर आर नॉट? एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी, एनी डाउट्स प्लीज आस्क। मतलब यहां पे अगर ओरिजिन है तो ये माइनस टी पॉइंट किस 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 एक्सिस में, माइनस टी माइनस कैपिटल एक्सिस में माइनस टी, तो ओरिजिन हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ओरिजिन था, ये माइनस टी था, अगर यहां पे जीरो ले लो ये कैपिटल टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? क्लियर आर नॉट? क्लियर आर नॉट? ठीक है, क्लियर आर नॉट? देखो अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, देखो यहां पे माइनस टी माइनस कैपिटल टी, माइनस टी माइनस कैपिटल एक्स, ये अगर माइनस टी, फिर से समझा रहा हूं, थोड़ा सा प्लॉट में थोड़ा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये माइनस टी माइनस कैपिटल टी, ध्यान से देखो, माइनस टी माइनस कैपिटल टी यहां पे जीरो है, तो माइनस टी माइनस कैपिटल टी इज इक्वल टू जीरो, इधर है देखो, ध्यान से, सॉरी ठीक है, ये राइट हैंड साइड पे देखना पड़ेगा, माइनस टी माइनस कैपिटल टी यहां पे तुम्हारा कितना है, जीरो है, तो इसका मतलब है टी इज इक्वल टू कितना हो गया, टी इज इक्वल टू माइनस टी, तो यहां पे टी का वैल्यू माइनस टी, सॉरी माइनस टी माइनस कैपिटल टी जहां पे जीरो है, स्मॉल टी का वैल्यू वहां पे कितना है, माइनस टी, सॉरी ये माइनस टी, यहां पे माइनस टी, यहां पे माइनस टी। नाउ माइनस टी माइनस कैपिटल टी जहां पे माइनस टी होगा, जहां पे माइनस टी होगा, वहां माइनस टी जहां पे होगा, तो मतलब टी का वैल्यू कितना होगा, वहां पे जीरो होगा। ध्यान से देखो, माइनस टी माइनस कैपिटल टी जहां पे जीरो, वहीं पे टी का वैल्यू कितना है, माइनस टी, माइनस टी माइनस कैपिटल टी जहां पे जीरो, वहीं पे टी का वैल्यू कितना है, माइनस टी, माइनस टी माइनस कैपिटल टी जहां पे माइनस टी है, मतलब इस पॉइंट पे माइनस टी है, माइनस टी है, तो वहीं पे टी का वैल्यू कितना होगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, प्लस टी हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टी का वैल्यू कितना है, जीरो है, यहां पे टी का वैल्यू कितना होगा, जीरो, कौन सा टी, स्मॉल टी का वैल्यू जीरो, देखो ध्यान से अगेन, इस ओरिजिन पॉइंट पे स्मॉल टी का वैल्यू माइनस टी, यहां पे स्मॉल टी का वैल्यू जीरो, देखो हाउ इज इट पॉसिबल, इधर को कैसे जीरो होगा, यही भी कंफ्यूजन था ना, इधर को कैसे जीरो होगा, तो अगर यहां पे माइनस टी चूज किया तो ओरिजिन तो इधर को रहना चाहिए ना, टी एक्सिस में, टी एक्सिस में तो ओरिजिन इधर को रहना चाहिए ना, नहीं तो कैसे इधर को हो गया, यही कंफ्यूजन है ना, देखो इसको दूर करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से देखो, जहां पे भी कंफ्यूजन होगा उसको कोशिश करना है दूर करने का,
अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से ये दूर हो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखो फिर से, ये माइनस टी यहां पे जीरो है, मतलब टी का वैल्यू कितना हो गया, टी का वैल्यू हो गया माइनस टी, समझ में आ रहा है, टी का वैल्यू हो गया माइनस टी। नाउ इसको देखते हैं, माइनस टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, इस साइड में ग्रेटर देन जीरो, इस साइड में क्या है ग्रेटर देन जीरो, अगर इस साइड में ग्रेटर देन जीरो है, देखो माइनस टी ग्रेटर देन टी, व्हिच इंप्लाइज टी लेस देन माइनस टी, यही इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इस साइड के लिए टी एक्सिस में, टी एक्सिस में देखो ध्यान से, टी एक्सिस में ये राइट हैंड साइड के लिए टी एक्सिस में लेस देन माइनस टी, मतलब इधर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के लिए टी एक्सिस किधर हो जाएगा, ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड के लिए टी एक्सिस इधर हो जाएगा, माइनस टी से इधर, ये राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड किसका, माइनस टी माइनस कैपिटल टी के लिए। नाउ देखो माइनस टी माइनस कैपिटल टी लेस देन जीरो, व्हाट इट मींस, माइनस टी लेस देन टी, व्हिच इंप्लाइज टी ग्रेटर देन माइनस टी, मतलब माइनस टी माइनस कैपिटल टी लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो इस साइड के लिए, इस साइड के लिए टी ग्रेटर देन माइनस कैपिटल टी, मतलब इस साइड हो जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि देखो ये जो कर्व है, तो इस साइड में ये वैल्यू कितना है, वन है, तो अगर इस साइड में वैल्यू वन, इस साइड किसके लिए, माइनस टी माइनस कैपिटल टी के लिए वन, तो टी के लिए कौन सा सेट होगा, ये साइड माइनस टी से पहले, तो मतलब अगर ड्रा करोगे, ध्यान से देखो, अगर ड्रा करोगे तो कौन सा कर्व मिलेगा, ध्यान से देखना इसको, अगर ड्रा करोगे तो इस साइड के लिए, देखो इस साइड माइनस टी माइनस कैपिटल टी के लिए, इस साइड स्मॉल टी के लिए सेम होगा, माइनस टी माइनस कैपिटल टी के लिए जो इस साइड है स्मॉल टी के लिए, वही इस साइड है, इस साइड मतलब माइनस टी से पहले, तो मतलब तुम्हारा इस साइड में वैल्यू वन है, तो इसी साइड में वैल्यू हो जाएगा कितना, वन, ये माइनस टी पॉइंट, या अगर टी एक्सिस ले लो तो ये हो गया वन, अगर टी एक्सिस में ये माइनस टी है, टी का वैल्यू माइनस टी इधर है ना, तो डेफिनेटली ऑरिजिन तो इधर कहां पर रहेगा ना, ध्यान से देखो ये ऑरिजिन हो जाएगा, अरे माइनस अगर नेगेटिव वैल्यू इधर है तो ऑरिजिन जीरो तो पॉजिटिव वैल्यू है ना विद रेस्पेक्ट टू दिस कंपैरिजन बेसिस, जीरो इज ग्रेटर, सो दैट्स फॉर राइट साइड को रहेगा, तो ये तुम्हारा एक्सिस हो जाएगा यू ऑफ माइनस टी वर्सेस क्या टी, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर आर नॉट, यही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नाउ देखो, तो मतलब क्या है, ये जो u ऑफ माइनस टी इसको t वर्सेस में हम लोग प्लॉट कर लिए, विथ रेस्पेक्ट टू t हम लोग प्लॉट कर लिए। ठीक है, नाउ अगर मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू क्विकली, सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग यू जस्ट प्लॉट, देन हाउ टू गेट द प्लॉट, अगेन आई एम रिपीटिंग, मेनी टाइम्स आई रिपीट दिस थिंग्स बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स बहुत आसान हो जाएगा आगे का सब्जेक्ट समझने के लिए, आगे का टॉपिक से समझने के लिए। ठीक है, देखो तो u ऑफ t इज इक्वल टू वन फॉर t ग्रेटर देन जीरो, इज इक्वल टू जीरो फॉर t लेस देन जीरो, इज इक्वल टू हाफ फॉर t इज इक्वल टू जीरो, राइट अंडरस्टैंड, ओके गुड। नाउ हियर एक्चुअली u ऑफ माइनस t माइनस कैपिटल t इज इक्वल क्या होगा, वन फॉर माइनस t माइनस कैपिटल t ग्रेटर देन जीरो, यहीं से t का वैल्यू निकाल दो ना, t के लिए प्लॉट करो स्मॉल t के लिए, सो इसका मीनिंग क्या होगा, माइनस t ग्रेटर देन कैपिटल t, व्हिच इंप्लाइज t लेस देन माइनस कैपिटल t, ये हो गया, मतलब ये वैल्यू वन होगा जब t का वैल्यू ये होगा। नाउ इट इज इक्वल टू जीरो, सी माइनस t माइनस कैपिटल t लेस देन जीरो, व्हिच इंप्लाइज माइनस t लेस देन कैपिटल t, व्हिच इंप्लाइज t ग्रेटर देन माइनस t, ये अगर t ग्रेटर देन माइनस t है तो u माइनस t माइनस कैपिटल t कितना होगा, जीरो हो जाएगा। नाउ इज इक्वल टू हाफ फॉर माइनस टी माइनस कैपिटल टी इज इक्वल टू जीरो, व्हिच इंप्लाइज माइनस टी इज इक्वल माइनस स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, व्हिच इंप्लाइज टी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल टी, ये देखो ध्यान से, बहुत
इंटरेस्टिंग है, देखो तो डायरेक्टली यू कैन प्लॉट हियर टी वर्सेस यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी. फ्रॉम इक्वेशन यू कैन प्लॉट, देखो यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी, यू ऑफ माइनस टी माइनस कैपिटल टी, वन फॉर टी लेस देन माइनस टी. तो टी अगर ये एक्सिस है ये जीरो है तो माइनस टी तो इधर होगा ना, माइनस टी. टी लेस देन माइनस टी से छोटा इस साइड को क्या होगा, वन होगा. तो मतलब इस साइड को वन हो गया, वन एक्चुअली वन मतलब ये पूरा यहाँ पर वन लिख सकते हो, कोई बात नहीं. ठीक है ना, इज इक्वल जीरो फॉर टी ग्रेटर देन माइनस टी से इधर जीरो है. ना इज इक्वल हाफ टी इज इक्वल माइनस टी, टी इज इक्वल माइनस टी में ये जो डिसकंटिन्यूअस है एवरेज वैल्यू कितना होगा, हाफ. यही प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया. तो सेम कॉन्सेप्ट कैन यूज एनीवेयर. नाउ सी, अगर यूटी के साथ इसको देखोगे, यूटी ये है ना, देखो यूटी और इसमें क्या डिफरेंस है, यूटी इसमें क्या डिफरेंस है. यूटी जो है इसको फोल्ड कर दिया, देखो इधर कर दिया फोल्ड, यू ऑफ माइनस टी हो गया. तो ये फोल्डिंग कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कर लिया, देखो राइट शिफ्ट नहीं है, लेफ्ट शिफ्ट. जनरली माइनस साइन किसके लिए, मैं बोला था यू ऑफ टी माइनस टी मतलब राइट शिफ्ट है. तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक बोल रहा हूं, यू ऑफ टी माइनस टी राइट शिफ्ट. लेकिन जब माइनस टी होगा इधर माइनस लग जाएगा, फोल्डिंग में इधर माइनस लग जाएगा, तो माइनस का मतलब अब लेफ्ट हो जाएगा. तो मतलब यू ऑफ माइनस टी में ये तुम्हारा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा. सो देखो पहले फोल्ड कर दिया, उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, कहाँ कितना अमाउंट टी अमाउंट, तो माइनस टी का जाएगा. ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट कर दिया कितना कहाँ पे माइनस टी, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया टी अमाउंट मतलब माइनस टी का, ये कॉल हो गया यू ऑफ माइनस टी. समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसी तरह प्लॉट कर सकते हो. तो क्या करना है, जब यू ऑफ माइनस टी देखो तो पहले फोल्ड कर दो, फिर माइनस मतलब उल्टा सोचो, राइट शिफ्ट जनरली होता है माइनस मतलब ना, अभी लेफ्ट शिफ्ट कर टी अमाउंट, बस हो गया. ये टेक्निक है क्विक प्लॉट करने का, लेकिन कॉन्सेप्ट ये एक्चुअली क्यों होता है मैं समझा दें. ठीक है, वेरी गुड. नेक्स्ट देखो, देखो इसको दूसरे और एक तरह भी प्लॉट कर सकते हो. देखो कैसे, u ऑफ माइनस टी एक काम करो, u ऑफ माइनस साइन कॉमन ले लो, t प्लस टी हो गया. नाउ अगर t प्लस टी एक्सिस लोगे, ये t प्लस टी एक्सिस ध्यान से देखो, ये हो गया आराम से हो गया. अभी बताया था ना t प्लस टी एक्सिस में u ऑफ t प्लस टी ड्रॉ करो पहले, ये वन हो गया कि नहीं, क्योंकि u ऑफ t प्लस टी आर्गुमेंट जो है इधर वही है, तो ut का तो डेफिनेशन मालूम है, वही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ अगर तुम सेम टी प्लस टी एक्सिस में माइनस साइन मतलब आर्गुमेंट में टोटल आर्गुमेंट में माइनस साइन है तो फोल्डिंग हो जाएगा, तो फोल्डिंग हो गया, ये हो गया वन. दिस इज यू ऑफ माइनस टी प्लस टी, दिस इज टी प्लस टी एक्सिस. इस तरह भी प्लॉट कर सकते हो. नाउ देखो तुमको क्या चाहिए, टी एक्सिस चाहिए. देखो अब क्या चाहिए, टी एक्सिस चाहिए. तो टी एक्सिस स्मॉल टी एक्सिस चाहिए, ये टी प्लस कैपिटल टी. नाउ इसको अगर टी एक्सिस में कन्वर्ट करूं, टी एक्सिस में देखो टी प्लस कैपिटल टी यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे टी कितना होगा, देखो t प्लस कैपिटल t यहाँ पे जीरो है, तो t हो जाएगा माइनस टी. तो मतलब इस जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा. अगर इस जगह माइनस टी तो प्लस जीरो तो राइट को रहेगा ना, तो इसका मतलब यही प्लॉट को अगर t एक्सिस में प्लॉट करने के लिए करने की कोशिश कर रहे हो तो माइनस टी प्लस कैपिटल t हो गया. तो क्या हो जाएगा, अब t इज इक्वल टू माइनस टी, जीरो जो है t इज इक्वल टू माइनस टी में हो जाएगा, तो इधर जीरो हो गया, तो इधर t इज इक्वल टू माइनस टी. अरे ये जो पॉइंट है इधर को शिफ्ट हो गया ना, जीरो पॉइंट, तो इधर हो गया प्लॉट वन. समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि टी इज इक्वल टू माइनस टी, ये जो जीरो वाला पॉइंट है ना, टी इज इक्वल टू माइनस टी को आ गया, तो जीरो वाला पॉइंट टी इज इक्वल माइनस टू को. अगर टी इज इक्वल माइनस टी इधर है तो कैपिटल टी जीरो वैल्यू राइट साइड रहे, राइट साइड में रहे, ये प्लॉट हो गया. तो वेरियस वेज यू कैन यूज फॉर प्लॉटिंग द सिग्नल, बट वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, no stage, you will find actually the confusion. Okay, thank you.